वहाँ पर भी यही टाइम होगा जो कि 32 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर होगा। इसीलिए इस लॉन्गिट्यूड को, इस मेरिडियन को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरे कंट्री का टाइम इसी से तय होता है। आप सोचेंगे क्यों होता है, आपके मन में क्वेश्चन आया क्यों होता है, अलग अलग टाइम क्यों नहीं कर लेते हम, लोकल टाइम क्यों नहीं कर लेते, यानी जो लोकल मेरिडियन उधर से गई है किसी भी जगह से उसी को अपना टाइम क्यों नहीं मान लेते, तो फिर दिक्कतें क्या होंगी आप समझिए। अरुणाचल प्रदेश में को जा रहा है 97 डिग्री, चलो हम मान लेते हैं 92 95 मान लेते हैं, 95 जा रहा होगा, गुजरात से जा रहा है 68 से स्टार्ट है, तो कोई 70 डिग्री मान लेते हैं। अब 70 डिग्री और 90 के बीच में कितना डिफरेंस हो जाता है, 20 डिग्री का, 20 का मीन्स 20 × 4 80 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। अब कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन उधर से उधर जा रही है, तो कैसे मैनेज करेगी, टाइम वहाँ से चली वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग गुजरात पहुँचेगी, गुजरात के टाइम के अकॉर्डिंग बड़ी दिक्कतें होंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे कोई टीवी सीरियल है, इंटरनेट टाइम है, फ्लाइट्स हैं, बहुत चीज़ें जो इस तरह की हैं सब गड़बड़ा जाएंगी। इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन रखी जाती है जिस जो ये तय करती है कि पूरे कंट्री में वॉचेस एक ही साथ टाइम एक ही टाइम शो करेंगी, सन कभी भी निकले फिर एडजस्ट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सन निकलता है और गुजरात में 6 बजे निकल जाता है गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ा सा 1 घंटा पीछे हो जाती है बात, तो वो तो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अलग अलग वॉचेस यानी टाइम वॉचेस अलग अलग टाइम दिखाएं, ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब आप सोचेंगे कि इसी को क्यों लिया गया, क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, क्वेश्चन भी है इसी को लेकर कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों लिया गया। चलिए अब देखते हैं इस बात को, ये कितना है 97 डिग्री 25 की तरफ कर देते हैं, 97 मान लेते हैं, यह है 68.7 यानी 68 मान लेते हैं। अब देखिए 68 और 97 के बीच में आपको बीच में आना है, इन दोनों के बीच में आना है, सेंटर में, तो ये जो इनके बीच में क्या करेंगे, पहले हम डिग्री डिफरेंस का पता करेंगे। डिग्री डिफरेंस है 97 में से आप 68 को लेस करिए, 9 और यहाँ 8 में 6 गए 29 टोटल ये डिफरेंस है यहाँ से और यहाँ तक, ओके। अब 29 का हाफ कितना होता है, क्योंकि बीच में आना है ना आपको, तो जितना इधर से चले उतना इधर से चलेंगे, मतलब इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ, मतलब क्या हुआ इसका कि 29 का हाफ अगर आपको पता है तो आप बीच में आ जाओगे। 29 का हाफ होता है 14.5, ओके। अब 14.5 है, या तो आप ये 68 में ऐड कर दो या 97 में से लेस कर दो, बात तो एक ही है, आप बीच में आ जाओगे। तो 14.5 हम 68 में ऐड करके देख लेते हैं, तो ये हो जाता है 82.5। इस तरह से आप अगर 97 से माइनस करेंगे तो भी हो जाता है, तो इसीलिए हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन इन दोनों के बीच में कोई जो पॉइंट पड़ता है उसी इसीलिए इसे 82.5 लिया गया है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। हालांकि एक और रूल है इसका, वो इंटरनेशनल रूल होता है कि 7.5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, वो जो भी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 7.5 का, कितना 7.5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर आप 82.5 को 7.5 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको दिखाई पता चलेगा कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 7.5 से, सो ये पॉइंट भी आप कह सकते हो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होती है, टाइम कैसे तय होता है, किस तरह से कैलकुलेट होती है। अब दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, मैं मानता हूँ कि आप इजीली आंसर दे दोगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट
हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्यों सेलेक्ट की गई है? आई होप दैट यू हैव नोन द आंसर नाउ। सेकंड क्वेश्चन भी है, अब बड़ा आसान हो जाएगा अब आपके लिए। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर। सो चलो ठीक है, इस बात को अभी समझेंगे हम। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कर लेते हैं अभी हम कि व्हाई द डिफरेंस बिटवीन टाइम ड्यूरेशन बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज़ फेल्ट, कि सुबह जल्दी गुजरात में जल्दी होती है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह होती है, गुजरात में बाद में होती है 2 घंटा के बाद, लेकिन ऐसा कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में नहीं होता। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ध्यान से समझिए, इस बात को मैप से समझा रहा हूँ मैं आपको। इसमें एक मैप और है, ये आप देखिए। अरुणाचल प्रदेश है यहाँ, गुजरात है यहाँ, सन ऐसे निकलते हुए चलता है, यानी सन पहले यहाँ निकलेगा फिर यहाँ यहाँ ऐसे निकलते चलेगा, लेकिन लेकिन जम्मू कश्मीर है यहाँ और कन्याकुमारी है यहाँ, एक ही लाइन के सामने, एक ही लॉन्गिट्यूड पर हैं दोनों। जब सेम लॉन्गिट्यूड पर हैं दोनों तो सेम टाइम ही होगा, क्योंकि सेम लॉन्गिट्यूड शोज द सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक लॉन्गिट्यूड पर, कॉमन लॉन्गिट्यूड, अगर जो भी लॉन्गिट्यूड वहाँ से जा रही है, हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री ईस्ट है, वैसे तो ये 76 डिग्री ईस्ट है, तो इस पर दुनिया का जो भी जगह है इस लॉन्गिट्यूड पर सेम टाइम शो करेगा। तो आप समझ गए ना कि लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस से ही टाइम डिफरेंस आता है। लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस अगर सेम है तो टाइम भी सेम होगा, चाहे दुनिया का कोई भी प्लेस हो। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर आया था कि जम्मू कश्मीर में टाइम जो दिन रात का डिफरेंस है वो ज़्यादा फील होता है, जबकि कन्याकुमारी में नहीं होता। इस बात को बहुत गौर से समझिए। देखिए, इसके पीछे जो फैक्टर है वो लैटिट्यूडल फैक्टर है, लैटिट्यूड का फैक्टर है। लैटिट्यूड कौन से होते हैं? ये वाले, ये जो लाइंस पैरेलल जाती हैं, ये सब लैटिट्यूड्स होते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को कि सन की रेज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है यहाँ तक सीधी पड़ती है, इसके ऊपर वाले एरिया में नहीं।